एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो हमारी पार्ट 3 है और जो बाकी के 2 पार्ट हैं मैं ऑलरेडी उनको अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी हद से ज़्यादा ईजी होने वाली है। पहले के जो 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनसे ज़्यादा ईजी होने वाली है ये वाली वीडियो। और हमें इसके लिए ज़्यादा मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें कलर्स चाहिए, ना हमें ब्रशेस चाहिए और ना ही हमें और कुछ भी चाहिए। इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, कार्डबोर्ड एंड जूट रोप। मैंने इसमें जूट रोप यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें थ्रेड रोप यूज़ कर सकते हैं, वूल रोप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जूट रोप था तो मैंने जूट रोप का यूज़ किया है। और इसको कोई भी बना के रेडी कर सकता है, बच्चा भी इसको बना के रेडी कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस DIY को करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लिया है और एक प्लेट ले ली है, और इस प्लेट की हेल्प से मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक मून का शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, जैसे कि मैंने किया है। सेम प्रोसेस से आपको भी ड्रॉ करना है और हमारा मून बनके रेडी हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए। और हमें इसको नीटली कट कर लेना है। मैं इस ब्लेड की हेल्प से कट करूँगी, आप सीज़र की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मून और एक स्टार कट कर लिया है। इसको कट करते टाइम मेरा ब्लेड भी टूट गया और मेरे हाथ में भी लग गया, और आप थोड़ा केयरफुली करिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जूट रोप ले लिया है। आपके पास जूट रोप नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पे वूल रोप यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड रोप यूज़ कर सकते हैं। और वूल रोप यूज़ करने का आपका एक फ़ायदा है, इसको ना आप कलरफुल भी बना सकते हैं, लाइक इसको ब्लू कलर का आप बना सकते हैं, येलो कलर का बना सकते हैं, पिंक कलर का बना सकते हैं। तो वूल यूज़ करने का आपका ये बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास वूल नहीं था तो इसलिए मैंने जूट रोप यूज़ किया है। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें दोनों को कवर कर देना है जूट रोप से, और फिर स्टार को कवर करते टाइम हमारा बीच का जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से खाली रह जाएगा। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे इसको स्टिक करने के लिए। तो यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए और ये निकल के बाहर ना आ जाए। अगर हैंग करेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, और फेविकॉल की हेल्प से इतना अच्छे से ये स्टिक भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोनों चीज़ हमारी कवर हो चुकी है। और मैं यहाँ पे फोम की जो एक बॉल्स होती है ना छोटी छोटी, मेरे पास वो रखी हुई थी तो मैंने वही यूज़ कर लिए। अगर आपके पास बीड्स हैं, वाइट बीड्स या मतलब कलरफुल भी बीड्स आप ले सकते हैं, तो आप वो यहाँ पे चिपका सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोम वाली जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, मैंने उनका यूज़ किया है। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से स्टार पे, मून पे, दोनों पे इसको लगा दूँगी। तो देखिए ये दोनों पे लग चुका है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। हैंग करने के लिए मैं इसके पीछे, मून के पीछे इस तरीके से एक जूट रोप ही लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए, और इसको स्टिक करने के लिए भी मैं ग्लू गन का ही यूज़ करूंगी, और मैं इसको अच्छे से करूंगी ताकि जो इसका वज़न रहता है ना पूरा, वो तो इसी के ऊपर रहेगा, तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से चिपकाना है। और इसी प्रोसेस को करते हुए मैंने यहाँ पर स्टार को भी इसी के ऊपर अटैच कर दिया है। तो हमारा DIY बनके अब बिल्कुल रेडी है। तो आप इसका लुक देख लीजिए, और ये है इसका फाइनल लुक। ज़्यादा इजी DIY। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से DIY के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।